सितंबर 2023 में किस मुल्क ने स्कूलों में नकाब पर पाबंदी लगा दी? भारत कितनी बार एशिया कप का चैंपियन रहा है? सितंबर 2023 में किस फुटबॉलर ने इस्लाम कबूल किया? दुनिया में सबसे बड़ा कोयला पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और जानेंगे दुनिया में कौन क्या है। करंट अफेयर के क्वेश्चन तमाम रिटन टेस्ट में जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा, ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए पबजी या सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगी। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के एंकरिंग क्वेश्चंस और सेकंड पार्ट में आप करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी मजीद वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। बेहतर लर्निंग के लिए हेडफोन या हैंड फ्री का इस्तेमाल करें। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लॉन्चिंग इस्लामिक बैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा मुल्क पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर रहा है? ऑप्शंस हैं रशिया, इजराइल, यूक्रेन, नॉर्वे। जवाब है रशिया। वर्ल्ड क्लीनअप डे इज ऑब्जर्व ऑन, सफाई का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 10 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 20 सितंबर? जवाब है 16 सितंबर। Which country won FIFA Women's World Cup 2023? FIFA Women's World Cup 2023 किस मुल्क ने जीता? स्पेन, ब्राज़ील, इंग्लैंड या फिर USA? जवाब है स्पेन। How many times India became the champion of Asia Cup? भारत कितनी बार एशिया कप का चैंपियन रहा है? 5 times, 6 times, 7 times या फिर 8 times? जवाब है 8 times। एशिया कप के हवाले से बात की जाए, इंडिया ने 1984 में पहला और 2023 में 8वां एशिया कप जीता। तमाम डिटेल आपके सामने हैं, इन्हें भी नोट फरमा लें। विच कंट्री हैज रिसेंटली हिट बाय द स्टॉर्म नेम डेनियल? डेनियल नामी तूफान ने हाल ही में किस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है? जापान, इस्टोनिया, लीबिया या फिर श्रीलंका? जवाब है लीबिया। ये पॉइंट भी नोट करते चलें, लीबिया में जो तूफान आया था उसका नाम था डेनियल। ये सवाल भी पेपर में आ सकता है। लीबिया में आए तूफान के हवाले से कुछ अहम पॉइंट भी नोट करते चलें। लीबिया में तूफान आया सितंबर 2023 में, जिसमें कमोबेश 5,000 लोगों की अमवात हुई और 10,000 लोग मिसिंग पाए गए। इस तूफान के आने की वजह थी दो डैम्स का आपस में कोलैप्स हो जाना, गिर जाना। ये पॉइंट भी अहम है, इन्हें भी नोट फरमा लें। In September 2023, who is appointed as President of UN General Assembly? September 2023 में अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सदर किसको मुकर्रर किया गया? मिस्टर कसाबा करोसी, डेनिस फ्रांसिस, अब्दुल्ला शाहिद, वोल्कन बॉस्किर? जवाब है डेनिस फ्रांसिस। In September 2023, which footballer embraced Islam? September 2023 में किस फुटबॉलर ने इस्लाम कबूल किया? नेमार, एंड्रिया पिरो, रॉबर्ट बाउर, एथसन अरांतेस? जवाब है रॉबर्ट बाउर। अल उमर इज लार्जेस्ट गैस फील्ड ऑफ विच कंट्री? अल उमर किस मुल्क की सबसे बड़ी गैस फील्ड है? इजिप्ट, पैलेस्टाइन, सीरिया, सऊदी अरेबिया? जवाब है सीरिया। विच कंट्री हैज होस्टेड G20 समिट इन द ईयर 2023? साल 2023 में G20 सरबराई इजलास की मेजबानी किस मुल्क ने की है? इंडोनेशिया, इटली, इंडिया, ब्राजील? जवाब है इंडिया। बहुत अहम सवाल है, नोट फरमा लें। G20 समिट के हवाले से कुछ अहम पॉइंट भी साथ में नोट करते चलें। G20 समिट न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 समिट्स, जिसमें 20 कंट्रीज शामिल हैं। और हाल ही में G20 में अफ्रीकन यूनियन ने भी ज्वाइन किया है। अब G20 का नया नाम हो गया है G21। और 2024 में ब्राज़ील G21 समिट की मेजबानी करेगा। ये तमाम पॉइंट भी अहम है, इन्हें भी नोट फरमा लें। सऊदी अरेबिया ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 मीटिंग विद विच कंट्री? सऊदी अरब ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 किस मुल्क के साथ मुनक्किद किया? चाइना, रशिया, इंडिया या फिर पाकिस्तान? जवाब है इंडिया। विच कंट्री वॉन एशियन जूनियर स्क्वाश अंडर 13 टाइटल इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 में एशियन जूनियर स्क्वाश अंडर 13 टाइटल किस मुल्क ने जीता? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? जवाब है पाकिस्तान। दुबई इज बिल्डिंग अनदर वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर, व्हाट इज इट्स नेम? दुबई दुनिया का एक और बुलंद तरीन टावर बना रहा है, इसका नाम क्या है? दुबई टावर, क्रीक टावर, यूएई टावर या फिर अरब टावर? तो इसका जवाब है क्रीक टावर। क्रीक टावर बुर्ज खलीफा से भी बुलंद तरीन टावर बनने जा रहा है दुबई में।
In September 2023, which country has banned naqab in schools? September 2023 में किस मुल्क ने स्कूलों में नकाब पर पाबंदी लगा दी? ऑप्शन है UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट या फिर लीबिया। जवाब है इजिप्ट। इस पाबंदी के बाद इजिप्ट में बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाए गए हैं। ग्रान कनेरिया इज एन आईलैंड ऑफ विच कंट्री? ग्रान कनेरिया किस मुल्क का जजीरा है? इंडोनेशिया, स्पेन, मलेशिया, कनाडा। जवाब है स्पेन। इन जनवरी 2023 विच कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एम्बेसडर टू इसराइल? जनवरी 2023 में किस मुल्क ने इसराइल में अपना पहला सफीर मुकर्रर किया? कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान। जवाब है अजरबैजान। विच पाकिस्तान जेवलिन स्टार हैज क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? किस पाकिस्तानी जेवलिन स्टार ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? अकबर रमजान, नदीम पकार, अरशद नदीम, हुजैफा इकबाल। जवाब है अरशद नदीम। अरशद नदीम के हवाले से कुछ अहम पॉइंट भी नोट करते चलें। 25 अगस्त 2023 में होने वाले ओलंपिक्स ट्रायल्स में अरशद नदीम ने न सिर्फ पेरिस ओलंपिक 2024 बल्कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंस के लिए भी क्वालिफाई किया। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? कौन सा मुल्क ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुकन नहीं है? US, रशिया, ब्राजील, इंडिया। जवाब है इंडिया। हु इज एन इन्वेंटर ऑफ ब्लैकबेरी? ब्लैकबेरी फोन का मौजिद कौन है, ईजाद करने वाला कौन है? माइक लजारिदिस, सत्या नडेला, डेविड ऑटसन, रॉबर्ट ग्रीन। जवाब है माइक लजारिदिस। हु इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा कोयला पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जवाब है चाइना। Which country is the world largest deposits of rare earth mineral? नायाब जमीनी मादनियात का दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा कौन सा मुल्क है? US, रशिया, चाइना या फिर इंडिया। जवाब है चाइना। अब स्टार्ट होता है हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के MCQs को आपने करना है सॉल्व। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने 20 में से कितने मार्क्स लिए। विश यू गुड लक, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। टेस्ट प्रिपरेशन की नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पर। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।